करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। और यहाँ पर तस्वीर देखिए, वाटर कैनन शुरू हो चुका है। वाटर कैनन के जरिए रोकने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को। यहाँ पर काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पहुंच चुके हैं और उन्हें रोका गया है। ये डाक बंगला चौराहे की लाइव तस्वीर है। और दूसरा वाटर कैनन यहाँ पर इस्तेमाल करने की तैयारी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है वाटर कैनन के जरिए बीजेपी। और यहाँ पर लाठीचार्ज हो चुकी है, एक तरफ लाठीचार्ज हो चुकी है, लाठीचार्ज क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और अब लाठीचार्ज हो चुकी है। पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया है, पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया है। और यहाँ पर अब तस्वीरों में देखिए किस तरह से पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। यहाँ पर लाठीचार्ज की गई है और पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ले जा रही है। पुलिस किस तरह से लाठीचार्ज कर रही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता घुस चुके हैं, दूसरी तरफ से बीजेपी के कार्यकर्ता घुस चुके हैं। और यहाँ पर हम तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल, फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए। यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। यहाँ पर लाठीचार्ज हो चुकी है और यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर किस तरह से लाठियां चलाई जा रही हैं। और बीजेपी ने यहाँ घोषणा की थी, यहाँ पर बीजेपी ने घोषणा की थी विधानसभा मार्च की और यहाँ पर लाठीचार्ज हो चुका है। पुलिस ने रोका है और विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा यहां पर बैठ चुके हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन विजय सिन्हा यहां पर बैठ चुके हैं। ये लाठी गोली बरसा रहा, यहाँ पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को विजय सिन्हा यहाँ पर पहुंचे थे। आपको हटिए